हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे मेल्स में यूज़ की जाने वाली एक काफ़ी पॉपुलर टैबलेट मैनफोर्थ स्टेलोंग के बारे में। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट में सिल्डेनाफिल व डेपोक्सटिन दोनों कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट के और भी सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, जिन्हें आगे हम वीडियो में जानेंगे व मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट के यूजेस, कैसे ये टैबलेट वर्क करती है व मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं व इसकी क्या डोज रहती है, कब इसे लिया जाता है। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट से रिलेटेड पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी, तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट में सिल्डेनाफिल व डेफोक्सिटिन कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, जिसमें सिल्डेनाफिल फोस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 यानी PDE5 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। यह 50 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद है तथा डेफोक्सिटिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर यानी SSRI क्लास की मेडिसिन है। यह 30 mg के स्ट्रेंथ में मौजूद है। मैनफोर्थ स्टेलोंग मेडिसिन मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, जबकि इसके अदर सब्स्टिट्यूट में सुहाग्रा फोर्स, पावर फोर्स, DF सूत्रा 30X, SDFIL जैसे ब्रांड शामिल हैं, जिनमें कंपोजिशन मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट के ही समान होता है। इसके ब्रांड नेम एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट के यूज़ की, तो इस टैबलेट का यूज़ केवल मेल्स में किया जाता है। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का पहला यूज़ है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का यूज़ शीघ्र पतन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यह टैबलेट इजैकुलेशन में लगने वाले टाइम को बढ़ाता है और इंटरकोर्स को बेटर कंट्रोल करता है, यानी यह टैबलेट इजैकुलेशन टाइम को बढ़ाकर इंटरकोर्स की टाइमिंग को भी बढ़ाती है। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का सेकेंड यूज़ इरेक्टिकल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता में किया जाता है। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का यूज़ डिसफंक्शन या इम्पेटेंस जैसी कंडीशन में मेल्स में किया जाता है। इन कंडीशन में इंटरकोर्स के दौरान डिफ़िकल्टी देखी जाती है। यो पेनिस में लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकती है या अदर फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, सच एस एंजरी डिजीज़ेस। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कुछ लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन कंडीशन की वजह से होने वाले इरेक्टिकल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी को ट्रीट करने के लिए मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। टैबलेट में मौजूद सिल्डेनाफिल पेनिस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके व डेपोक्सिटिन सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करके इजैकुलेशन टाइम को इम्प्रूव करता है। तो इस प्रकार मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट वर्क करती है। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट को यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में नोज़िया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, डिजीनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। मैनफोर्थ स्टेलोंग टैबलेट का यूज़ इंटरकोर्स से पहले किया जाना चाहिए व इसकी ओवरडोजिंग
कभी भी नहीं की जानी चाहिए, यो हार्मफुल हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी मैनफोर्स स्टेलोंग टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।